ऐसा लगता है कि इसराइल ने अब ठान लिया है कि हिजबुल्ला को तबाह करके ही छोड़ेगा। इसराइल लेबनान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसराइल के हमले से पूरे लेबनान में दहशत है। हिजबुल्ला के खिलाफ हमले में इसराइल को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी। इसराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया। इसराइली सेना का दावा है कि उसके हमले में अकील के साथ हिजबुल्ला के 8 टॉप कमांडर मारे गए। इसे हिजबुल्ला के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल के हमले से बौखलाए हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइल पर ताबड़तोड़ 140 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इसराइल की सेना और ज्यादा भड़क गई। इसराइली सेना ने इसके जवाब में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला में दूसरे नंबर पर है, जो सीधे चीफ हसन नसरल्ला को रिपोर्ट करता था। ऐसी जानकारी है कि इसराइल के इस हमले में हिजबुल्ला के 9 कमांडर मारे गए, करीब 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। इब्राहिम अकील 1983 के 2 बेरूत ट्रक बम विस्फोटों में $70 लाख यानी $58 करोड़ रुपए का इनामी था। बम धमाके में तब अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन बैरक में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यानी इब्राहिम अकील अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। अमेरिका ने साल 2019 में उसे आतंकी भी घोषित किया था। अब इब्राहिम अकील के खात्मे के बाद अमेरिका जरूर खुश हुआ होगा। इसराइली सेना हिजबुल्ला के खिलाफ पूरे एक्शन की तैयारी में है। इसराइल ने हिजबुल्ला को नेस्ता नाबूद करने की चेतावनी भी दे दी है। इसराइल ने कसम खाई है कि अब जब तक हिजबुल्ला का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, वो अपने अभियान को नहीं रोकेगा। यानी एक बात तो साफ है कि अब इसराइल आर पार के मूड में है। अगर इसराइल के यही तेवर रहे तो वो दिन दूर नहीं कि वो हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब इब्राहिम अकील के खात्मे को हिजबुल्ला के लिए बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। इसराइली सेना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक F-35 फाइटर जेट्स के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। F-35 के जरिए मिसाइलें दागी गईं। जब इसराइल ने हमला किया तो हिजबुल्ला की खतरनाक राडवान फोर्स की मीटिंग हो रही थी। ये मीटिंग जमीन के 2 मंजिला फ्लोर के नीचे चल रही थी, लेकिन इसराइली मिसाइलें अपने टारगेट में कामयाब रही और इन्हें वहीं खत्म करने में कामयाब हो गई। इस मीटिंग में 20 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसराइल का हमला इतना खतरनाक था कि जो बचे वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसराइल का यह हमला इतना जोरदार था कि हमले की वजह से आसपास के इलाकों को भी काफी नुकसान पहुंचा। लोगों ने बताया कि अचानक मिसाइलें बरसने लगी तो हाहाकार मचने लगा। एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान से गिर रही थी। मिसाइलों का हमला इतना भयंकर था कि आसपास के इलाकों में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे भूकंप आ गया हो। अब इसराइल के हमले ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है। इसराइल के हमले लगातार जारी है। इसराइली सेना लगातार लेबनान शहर और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइलें दाग रही है। इसराइल के लगातार हमले से हिजबुल्ला के लड़ाकों में दहशत भी आ चुकी है। वो बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल चुन चुनकर उनका खात्मा भी कर रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में इसराइल ने लेबनान के खिलाफ इतना खतरनाक तेवर अपनाया कि लेबनान और हिजबुल्ला की हालत पस्त हो चुकी है।